कभी अल्लाह ताला शानहु कुर्बानियों का नतीजा आध घंटे के बाद निकालते हैं, कभी 10 साल के बाद, मगर निकालते जरूर है। इसलिए कि अल्लाह का वादा है कुरान में, वला तहिनु वला तहजनु, हिम्मत मत हारो, जो भी हालात तुम पर आ जाए हिम्मत मत हारो, वला तहजनु गम मत करो, इसलिए कि हमारा वादा है कि वअंतुमुल आलून, बुलंद तो तुम ही रहोगे, वअंतुम तुम ही बुलंद रहोगे, इन कुंतुम तालमू इन कुंतुम मुमिनीन, बस मोमिन रहो, मोमिन रहो, दिल में एतिकाद सही और अमल तुम्हारे सही, दिल शिकस्ता न हो और गम न करो, दिल तुम्हारा टूटे नहीं, दिल शिकस्ता न हो और गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर मोमिन हो। अल इस्लाम यालू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि इस्लाम बुलंद रहेगा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, वादा है कुरान का। इसलिए ऐसे हालात में शुकुक शुबहात में मुबतला नहीं होना चाहिए, अल्लाह की हिकमत पे यकीन रखना चाहिए, अल्लाह की हिकमत पे अल्लाह की भरोसा रखना चाहिए। और जहां कहीं जो कोई परेशान हाल है, जिस दर्जे की परेशानी में हो, जिस दर्जे की परेशानी में हो, उनका ताउन करने के लिए जिस तरह उन्हें खुद भी अल्लाह की मर्जियात पे चलना जरूरी है, पूरी उम्मत के लिए अल्लाह की मर्जियात पे चलना जरूरी है। अगर हम हमारे उन फलस्तीनी भाइयों और बहनों और बच्चों जो मासूम है, जो इनोसेंट है, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको किसी किस्म का भी फायदा पहुंचाना चाहते हैं, फायदा और बहुत ही मौसिर फायदा, आला दर्जे का फायदा, तो मेरे भाइयों तौबा करो अल्लाह से, अपने गुनाहों से तौबा करो और तौबा करके अज़्म करो कि आज के बाद हम अल्लाह के दीन पर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, इससे बढ़कर दूसरा कोई मुअसर फायदा नहीं। बाकी सारे फवाइद इसके ताबे हैं, ये काबू में आया तो बाकी सारे असबाब काम आएंगे, ये काबू में नहीं आया तो कोई सबब काम नहीं आएगा, ये मेरा ईमान है और हम सबका ईमान होना चाहिए। अगर अल्लाह हमारा नहीं होता तो कोई सबब हमें काम नहीं आएगा, अल्लाह अगर हमारा नहीं होता, और अल्लाह हमारा तब होगा जब हम अल्लाह के होंगे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, अल्लाह को नाराज करने वाले हर काम से बचेंगे। सियासी तकरीरें लोग बहुत करते हैं, सियासी तबसीरें लोग बहुत करते हैं, और मौका बमौका करना भी चाहिए। जो इस फील्ड के लोग हैं, हमारी फील्ड ये नहीं है, हमारी ये फील्ड है, हमारी कुरान की फील्ड है और सुन्नत रसूल की फील्ड है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ऐसा मत समझे कि यहां लेस्टर में रहकर के अगर हम तकवा इख्तियार करेंगे तो उनको क्या फायदा होगा, वो आप छोड़ दीजिए। आप कुरान और हदीस पर, अल्लाह के फरमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद पर यकीन करके आंख बंद करके कीजिए, फिर आप देखोगे अल्लाह ताला शानहू अपनी कुदरत का मुजाहरा कैसे फरमाते हैं। अल्लाह नहीं बदला है, अल्लाह का कानून भी नहीं बदला है, अल्लाह जैसे पहला था, पहले था, आज भी वैसा ही है, अल्लाह की हालत में अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं आता, अल्लाह के कानून में अल्लाह के वादों में कोई फर्क नहीं आता। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान, वैसा यकीन, वैसा भरोसा अल्लाह पर, वैसा तवक्कुल, वैसा एतिमाद हो और वैसा तकवा हो, वैसा सब्र हो, आज भी वैसा जिक्र हो, जुबानी जिक्र भी हो, दिल भी जुड़ा हुआ हो, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, तो आग बाग बन सकती है आज भी। इसे का अल्लाह का कानून एक ही है, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों में कतार अंदर कतार रब्बी। फिजाए बद्र पैदा कर, फिजाए बद्र क्या थी? फिजाए बद्र ईमान वाली थी, ईमान वाली, फिजाए बद्र यकीन वाली थी, फिजाए बद्र अखलाके हमीदा वाली थी, फिजाए बद्र शुक्र वाली थी, सब्र वाली थी, फिजाए बद्र तवाजू वाली थी, तवाजू वाली, कितनी तवाजू, इस कदर तवाजू,
कि अल्लाह ताला शानहू ने फरमा दिया था कि इनसे इनका पीछा करो तो भी तुम्हारी जीत और इनसे लड़ो तो भी तुम्हारी जीत, उसके बावजूद भी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन ऊंची नहीं की, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्हों फरमाते हैं कि हाथ फैला फैला के अल्लाह से आजिजी कर रहे थे, आजिजी कर रहे थे। फिजाए बदर रुजू इल्लाह, रुजू इल्लाह। हजरत जी मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि बंदे को रुजू इल्लाह इस तरह करना चाहिए जैसे एक लूला लंगड़ा